तो चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए, आपको विंडोज में नजर आ रहे होंगे, एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हामिद हुसैन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। गौरव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष रंजन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी बहुत स्वागत, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सभी से शुरुआत इसी चीज से करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वोटिंग परसेंटेज आया है, तो उसको लेकर के ही एक एक कमेंट मैं सभी से लेना चाहूंगा। अमिताभ जी आप ही से शुरुआत करेंगे। फिर वही स्थिति हम देख रहे हैं सुबह सुबह की, जो हम कहा करते थे कि पहले जलपान नहीं, पहले मतदान उसके बाद जलपान, वो वाली स्थिति दिख नहीं रही है। हर फेज में वही लग रहा है। बहुत दुखद बात है। मैं तो सीधा सीधा मानता हूं कि ये आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है, दायित्व है, आपको निकल करके वोट करना ही चाहिए। 5 साल में एक दिन अगर आप वोट करने के लिए नहीं निकलते हैं, तो फिर आपको अपने नेताओं, अपने सरकार इसके विरुद्ध बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने एक दिन काम नहीं किया और उनसे आप 5 साल काम करने की उम्मीद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी बनती है, उनके कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों में जोश जगाएं, घर घर जाएं, उन्हें कहें कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मतदान करना पड़ेगा, देश की सरकार के प्रति आपकी एक जिम्मेवारी है, बाकी 5 साल तो जिम्मेवारी निभाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से एक निराशा लोगों के मन में है, बहुत उत्साहित नहीं होते हैं, इस वजह से मतदान के परसेंटेज में कमी आती है। हर्ष जी आपसे भी ये कमेंट चाहेंगे जल्दी से। देखिए, मतदान के प्रतिशत पर लगातार हम 5 चरणों में भी बात कर चुके हैं, ये 6ठा चरण है। और दुर्भाग्य से ये 6ठा चरण ऐसा चरण है जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी, खास करके ये जो बीच की हिंदी बेल्ट की पट्टी है, इसमें है। तो आप देखेंगे कि अभी ओडिशा में, बिहार में, दिल्ली में, इन तमाम जगहों पर मतदान का प्रतिशत बेहद कम है। 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, कहीं 7%, कहीं 8% है। यूपी इस बार थोड़ा सा, पूर्वांचल में थोड़ा सा अपवाद है, 11-12% तक वहां पहुंच रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शाम होते होते हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 55-60% के बीच ये आंकड़ा जाएगा, क्योंकि तापमान न सिर्फ 44-45 है, IMD के प्रेडिक्शन को देखें तो इट फील्स लाइक 50+ डिग्री ऑफ सेल्सियस तापमान है। हर्षी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कई जगह ये भी कंप्लेंट्स हैं कि बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, मतदान केंद्रों पर पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या ऐसी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये भी मतदान प्रभावित कर रही हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए, चुनाव आयोग लगातार ये कहता रहा था कि हम गर्मी में करा रहे हैं लेकिन हम इंतज़ाम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ग्राउंड पे मैं भी गया था और कई प्रदेशों में मैं गया, तो मुझे लग रहा है कि हर बूथ पर जितनी व्यवस्था होनी चाहिए या बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एक मतदाता के तौर पर है, कई जगह पर है, लेकिन अधिकांश जगहों पर आई एम वेरी सॉरी टू से टू इलेक्शन कमीशन कि ये व्यवस्था नहीं है, नहीं हो पाई है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन किसी और कार्यों में व्यस्त हो, भारत जैसे विशाल डेमोग्राफी वाले देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना और इतने लोगों को उसमें शामिल करना, हो सकता है कि कहीं दिक्कत हो, लेकिन चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए। लेकिन तैयारियां कई जगहों पे जिस तरीके से हैं, बावजूद उसके वहां वोटर्स नहीं पहुंच पा रहे मनीष जी, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखे हैं कि आदर्श मतदान केंद्र बहुत जगहों पे बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, वहां पे तो व्यवस्थाएं इस तरीके की हैं कि आप आराम से जाएं और 4 घंटे जो धूप में या घर में बैठते हैं, घर से ज्यादा आराम आपको वहां पे मिलेगा। तो वैसी भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स अगर नहीं निकल रहा है, फिर क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये, अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि मतदान केंद्र व्यवस्थाएं नहीं है, संभव है, ये बात भी उनकी सच हो सकती है, लेकिन कोई वोटर जाए और पानी ना मिले इस वजह से वोट डाल के ना आए, ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो बूथ पे अव्यवस्था होने से, पानी ना होने से, छाया ना होने से वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ता हो, मैं इस बात से निजी तौर पर सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, एक समय की बात है, अगर मैं 1980 से 90 के बीच की बात करूं तो राजनीतिक दलों की तरफ से ऑटो, टैक्सी, टेम्पो का अरेंजमेंट किया जाता था, बिल्कुल, और ये ओपन था। और मुझे लगता है चुनाव आयोग की या तो इच्छा से था या इस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, आने जाने की अरेंजमेंट थी, शायद उसका कोई फर्क पड़ता हो। जैसे मैं अपनी आर्यनगर सोसाइटी में रहता हूँ, वहां पर आपस के कुछ लोगों ने कहा, अगर किसी बुजुर्ग वृद्ध को जाना हो और उसके पास व्यवस्था ना हो
तो हम में से कोई भी एक टीम मेंबर चला जाएगा, छोड़ के आ जाएगा, वोट डलवा के लिए आएगा, इस तरह के अरेंजमेंट हुए। तो एक ट्रांसपोर्टेशन एक रीजन हो सकता है कि अगर किसी को टैक्सी की, ऑटो की, टेम्पो की सुविधा मिले तो शायद वोट डालने में बढ़ सकता है। दिल्ली में तो सारी चीजें हैं सर, वो सब व्यवस्था के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा कूपन्स भी दिए जा रहे हैं कि जाकर के बाद में शॉपिंग भी करके आइए। हाँ देखिए, जहाँ भी बचत का नाम लिखा हो वहाँ पे खर्चा होता है, इस बात को तो खैर हम समझते ही है, पर मैं इसको बता दूं, मेजर जो रीजन है वो रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों का वोट जहाँ वो रहते हैं वहाँ नहीं होता। इसलिए मेरी चुनाव आयोग से, केंद्र सरकार, आने वाली सरकार से ये मांग है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक कर दिया जाए, पहली बात। हाँ। और दूसरा, चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था करनी ही चाहिए अगले चुनावों तक कि वो व्यक्ति कहीं भी वोट डाल दे उसके लिए 3 महीने पहले से चुनाव आयोग में एक फॉर्म भरना पड़े और वेबसाइट पर अपलोड करना पड़े कि भाई मैं अब यहाँ रहूंगा, चाहे मैं परमानेंट रहता हूँ या नहीं रहता, मैं वहाँ रहता हूँ और मेरा वोट अगले इस बार के चुनावों के लिए यहाँ पे कर दिया जाए। और ऐसा करने से वो उसकी डिजायर्ड, मानो अगर कोई व्यक्ति बंगाल में है, दिल्ली का व्यक्ति, तो बंगाल में वोट डाल सकता है इजीली। और मैं समझता हूँ कम से कम 10-15% ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज सिर्फ इसी से बढ़ जाएगा। इंडिया में जहाँ रहता है, जो रहता है, जॉब करता है। देखिए मनीष जी की ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। अगर आप आधार को वोटर कार्ड से लिंक करते हैं तो अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि जो कि अपने कार्यस्थल पर हैं वहाँ उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया है तो वो वोट नहीं डालते, ये एक रीज़न है। एक पॉइंट हमसे छूट गया था कहना, वो ये है कि इन सब के ऊपर इस बार के चुनाव में लगातार 6 चरणों में हमने देखा है कि वोटरों के बीच एक उदासीनता है। इस उदासीनता पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, उदासीनता पे चर्चा कर चुके हैं और आगे इस पे और चर्चा होनी भी चाहिए कि क्या कारण है कि वोटर्स इस तरीके से उदासीन हो गया। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि जब तक आपका, जैसे अभी भाई साहब ने कहा था कि अधिकार भी है और दायित्व भी है, अगर दोनों बात है और दायित्व अगर कोई पूरा ना करे तो उसके लिए कोई दंडात्मक व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ। कम से कम यह व्यवस्था ना हो कि जो इस बार वोट नहीं डालेगा उसे अगली बार वोट डालने का राइट नहीं मिलेगा, या कम से कम दो, या कोई दो ऐसी बात कि मानो आपको राशन कार्ड में आपके निशान लग जाएगा कि आपने लगातार 3 बार वोट नहीं डाले तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, या आपको कोई टैक्स ज्यादा लगेगा, या आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, या कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन या वार्निंग दी जाए आपको, या आपको एफिडेविट लिखित में एसडीएम के पास जमा कराना पड़ेगा अगली बार वोट डालूंगा, इस तरीके से कोई ऐसी इनकन्वीनियंस उसके लिए क्रिएट की जाए ताकि वो वोट जरूर डाले। गौरव जी, मतदान के प्रतिशत को लेकर के सोचना तो हर पार्टी को भी अब होगा। जी बिल्कुल, जितना ज्यादा मतदान होगा उतना अच्छा हम जनप्रतिनिधि सेलेक्ट कर सकते हैं, उतनी अच्छी हम सरकार ला सकते हैं, क्योंकि जब मतदान प्रतिशत कम होगा तो जिसका कहते हैं ना एक वोट से भी बंदा जीत जाता है, अब एक वोट से भी आपका गलत डिसीजन भी जीत सकता है। तो अपने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए, अपने क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको एकजुट होकर एक दिन तो निकालना पड़ेगा, जाके मतदान करें, किसी भी पार्टी के लिए करें लेकिन मतदान जरूर करके आए। मतदान करना आपका मौलिक अधिकार है, उसको आप जरूर मतदान करें। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, वोट परसेंटेज की भी बात कर रहे थे, दिल्ली जो है NCR का इलाका है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद। अब क्या है, नोएडा में छुट्टी नहीं है, फरीदाबाद में छुट्टी है, गुड़गांव में छुट्टी है। अब नोएडा में कोई जॉब कर रहा है अगर दिल्ली वाला, वो वहाँ पे वोट नहीं डाल रहा, अपने ऑफिस में जा रहा है। तो चुनाव आयोग को ये ऐसे चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, जो NCR के इलाके या और भी सटे इलाके कोई भी होंगे, मुझे लगता है एक ही दिन में वहाँ पे चुनाव होए, एक ही दिन छुट्टी हो, ताकि हर एक बंदा जाके वोट डाल सके। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लगातार हमने ये देखा कि बीजेपी की ओर से, NDA की ओर से तमाम मुद्दे गिनाए गए, लेकिन ये मुद्दे ऐसे क्यों नहीं हो पाते हैं कि जनता को खींच पाए और जनता वोट डाले? देखिए, ये कहना बड़ा अजीब होगा कि वोट कम पड़ रहा है तो इसलिए बीजेपी के खिलाफ जा रहा है या किसी के फेवर में जा रहा है। नहीं, हमने सिर्फ रीजन पूछा है, हम ये कह नहीं रहे कि बीजेपी के खिलाफ जा रहा है या इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रहा है। हाँ नहीं, मेरा ये कहना है कि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, वोट उतने ही पड़ रहे हैं लगभग, ठीक है 1-2% का ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है वोट का, तो एक कैलकुलेटिव नहीं होता है कि लास्ट में इतना पड़ा तीस या इतना पड़ेगा, वोट उतना ही, क्योंकि चुनाव आयोग बैठा हुआ है 1-2 हफ्ते बाद बढ़ा ही देगा परसेंटेज। अरे भाई साहब, आप बोल लीजिएगा, आपका आप तो ईवीएम का रोना रोएंगे ही बाद में, ईवीएम ने ऐसा कर दिया, ईवीएम ने ऐसा कर दिया, क्योंकि समस्या क्या है कि आपके जितने भी डिबेट लीडर हैं या तो टीवी डिबेट में करते हैं कंपेन, या तो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे कंपेन करते हैं, जमीन पे आप लोग कर नहीं पाते कुछ, तो वो तो खैर रखे रहिए, बाद में ईवीएम का रोना और डेटा का रोना रोने के लिए 4 जून के बाद में, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप पर। देखिए 58 सीट पे चुनाव हो रहा है, जितनी सीटें NDA ने, बीजेपी ने जीती थी सारी सीटें रिटेन करेंगी,
और उन सीटों में जो सीटें बची हुई हैं उन सीटों को हम लोग जीतेंगे। बाकी ये लोग अपना 4 जून के बाद ये रोना रोए कि डेटा कहाँ से ज्यादा हो गया, कम हो गया, वोट शेयर कैसे कम हुआ, ज्यादा हुआ या ये कैसे कम हुआ, वो तो 1950 में नेहरू जी भी चुनाव जीते थे जब 44% वोटिंग हुई थी। ये सब बातें नहीं होती, वोट शेयर से कोई ऐसा नहीं है कि 10% का डेविएशन आ रहा है या 15% डेविएशन है तब होता, 1-2% का हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। इसमें अनिरुद्ध जी हार जीत की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भागीदारी की। लोकतंत्र में भागीदारी हर एक नागरिक की हो ये सुनिश्चित करना हर किसी की जिम्मेदारी, हर पार्टी की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जी, हम जी, उस नियत से बोल रहे हैं वोट किसे, वो तो 5% भी वोट पड़ेगा तो कोई ना कोई जीतेगा ही। जनता को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करे, किसको वोट करते हैं किसको नहीं करते, ये तो सबसे बड़ा आज का अधिकार का दिन है। और ऐसा नहीं था तो प्रधानमंत्री ने मंच से क्यों बोला, मंच से प्रधानमंत्री ने इसीलिए तो बोला कि आप बाहर निकलिए वोट डालिए, जिसको वोट डालना है लेकिन वोट डालिए, वोट आना चाहिए और लोगों को वोटिंग करनी चाहिए क्योंकि जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। क्योंकि सच में अभी अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई एक दिन तो आपको मिल रहा अपने वोट का अधिकार करने के लिए, फिर 5 साल आप मत चिल्लाना। तो खैर वो तो जोक सपाट में कहा लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है, लोगों को निकल के आके वोट करना चाहिए, वो किसको वोट करते हैं किसको नहीं करते। सिद्धार्थ जी एक सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से, अगर आप इजाजत दें मुझे एक एक कमेंट जल्दी से मैं ले लेता हूं सर, उसके बाद फिर जल्दी से ले लेता हूं। सिद्धार्थ जी कंप्लेन आनी शुरू भी हो गई, अभी आतिशी ने कंप्लेन ये किया है कि जिस इलाके में इंडिया वोट बैंक, इंडिया गठबंधन का वोट ज्यादा है वहां पे स्लो वोटिंग करवाई जा रही है, मतलब ये कंप्लेन कैसे और क्यों? सिद्धार्थ जी शायद म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं मैं बिल्कुल म्यूट हूं। हाँ, बोलिए। मैं बिल्कुल ठीक पहले म्यूट थे। अरे बिल्कुल बोलिए, म्यूट नहीं है, पहले म्यूट थे। अच्छा ठीक है सर। दिल्ली की जनता जो सर आज वोट कर रही है ना, हाँ, वो जा रही है विश्व स्तरीय स्कूलों में वोट करने के लिए। बहुत अच्छी नहीं आ रही। तो स्वाभाविक है कि वो किसको वोट करेगी ये सबको पता है, वो महंगाई के खिलाफ वोट करेगी, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगी, तानाशाही के खिलाफ वोट करेगी, काम की राजनीति के लिए वोट करेगी, जेल का जवाब वोट से देगी। और मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ, हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, पिछले 2 दिनों से हुआ ये है कि भाजपा की जो मात्र संस्था है संघ, उसने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया है। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आज दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के पोलिंग बूथ पर कितने लोग हैं ये देख लीजिए, और आम आदमी पार्टी के पोलिंग बूथ पर कितने लोग हैं देख लीजिए। तो भाजपा के साथ ये समस्या हो तो गई है। ये कंप्लेन क्यों? साफ नहीं दिख रहा, कंप्लेन स्टूडियो के दिखा दो। अरे संदर्भ पूछा ना, संदर्भ तो बताना पड़ेगा ना सर, कोई भी तर्क आपने सवाल पूछा तो उसका संदर्भ तो होगा। ये प्रमाण मैंने जो बताया ये बिल्कुल स्पष्ट है कि रुझान और चुनाव एक तरफा जा रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी और टीम इंडिया के पक्ष में दिल्ली में वोटिंग हो रही है, इसीलिए भाजपा की ओर से पूरी ताकत लगाई गई है, खास करके पुलिस वालों को। सर आप लोग मीडिया के, अभिषेक जी चारुल जी आप लोग गंभीर और पुराने संपादक हैं, एक दिन में 11 घंटे में अगर 800-900 वोट एक पोलिंग बूथ में होना है तो इसका मतलब सीधा है कि एक वोटर को एक मिनट में एक वोटर को वोट देके बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पर भी एक मिनट में एक वोटर वोट देके बाहर अगर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब पुलिस वाले जानबूझ के वहां पर बाहर परेशानी कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी तो अंदर बैठे रहते हैं, उनके पास जो आएगा मुझे एक बात बताओ, पुलिस वाले स्टेशन पे ऐसा हो रहा है, पुलिस को ऑफर ये ऑर्डर दे रखा है, बता रहा हूँ सर, गिनती करके आपको बता रहा हूँ। पश्चिमी दिल्ली, कोई लॉजिकल बात करो, उधर केजरीवाल भी यही बातें कह रही है। इसमें बहुत स्लो वोटिंग हो रही है, कहीं दिल्ली की असेंबली नंबर 43 बूथ नंबर 141 में आधे आधे घंटे से लोग खड़े हैं, द्वारका सचदेवा स्कूल 1.5 घंटे से लोग वोटिंग के लिए खड़े हैं, बीजेपी के लोग पोलिंग बूथ के अंदर जाके नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं आप। सुनिए, अगर कहीं वोटिंग 1 घंटे से नहीं हो रही है तो अब तक सारे देश के मीडिया में हाईलाइट हो गया होता, बिहार के किसी छोटे से पोलिंग बूथ पर, किसी गांव के पोलिंग बूथ पर भी अगर वोटिंग 1 घंटे बंद हो जाएगी पूरे देश में क्या अमेरिका तक खबर पहुंच जाती है? क्या बात कर रहे हैं आप, साफ झूठ बोल रहे हैं बॉस, आप साफ झूठ बोल रहे हैं। पूरे पूरे दिल्ली में किसी न्यूज चैनल पर A to Z किसी भी चैनल पर कोई खबर नहीं पोलिंग बंद होने की। आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट झूठ है, जो आप बोल रहे हैं वो स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए किसी चैनल का रेफरेंस लेके बताइए
क्या मैं न्यूज इंडिया पे कोई ऐसी न्यूज देख रहा हूँ? नहीं देख रहा हूँ, कोई ऐसी न्यूज किसी चैनल पे नहीं है, किसी भी चैनल पे नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कभी कहीं भी वोटिंग मशीन खराब नहीं होती? बिल्कुल होती है। नहीं हुई तो खराब है तो बोलो खराब है। पार्टी की वजह से अगर खराब है तो बोलो खराब है। तार रुकी है और खराब चैनल ने दिखा दिया। किस चैनल ने दिखाया? खराब बताओ, चैनल बताओ, बताओ किसके इशारों में चल रही है? चैनल किसके इशारों में खराब है? आजकल मीडिया किसके इशारों में चल रही है? किस मीडिया ने दिखा दिया कि ये मीडिया को करप्ट प्रधान ने लिख दिया? बता दिया, बताओ मेरी आप लोग अरे ट्विटर हैंडल पे लिख के आ रहा है ये मीडिया को आप लोग करप्ट बता रहे हैं। आप कह रहे हो कि मीडिया ने दिखाया? अब ये मीडिया देखे, मीडिया वो दिखाएगी अब जो पीएमओ चाहे। अब जो मीडिया देख ले, अब मीडिया देख ले। एक चीज मुझे बताइए गौरव जी, मीडिया नहीं गौरव जी, एक सेकंड मनीष जी आप रुक जाइए एक सेकंड मनीष जी। गौरव जी आप मुझे बताइए, अगर पीएमओ ने बोला होता तो फिर आप यहाँ नहीं बोल रहे होते? अरे उनकी बात पीएमओ ने नहीं नहीं बता रहे, मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया को इंडिया पे आने के अगर पीएमओ ने बोला हो नहीं बोल रहे होते? सिंपल सी बात है, चुनाव रुका हुआ है, वोटिंग मशीन खराब हो गई है। एक चीज गौरव जी के ट्विटर हैंडल द्वारा चुनाव आयोग को टैग किया जा रहा है, बताया जा रहा है, मीडिया नहीं दिखा रही। गौरव जी नहीं दिखा रही, ठीक है, लेकिन इस बात पे आप क्यों बोल रहे हैं? गौरव जी आपके पास कोई प्रमाण है कि न्यूज चैनल्स पीएमओ के थ्रू चल रहे हैं? हाँ। उनके इशारे पर चल रहे हैं? ये मीडिया को बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। गौरव जी मीडिया को करप्ट बता रहे हैं, कोई एक गौरव जी मीडिया को करप्ट बता रहे हैं। आप ये लोकतंत्र है, अगर आपको फिर भी बुलाया जा रहा है पार्टी का मतलब है नहीं है लोगों को मीडिया को करप्ट बताने वालों का पहचान मिट जाना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं गौरव जी और मनीष जी, ठीक है आते हैं आपके पास फिर से, उसके बाद हामिद जी के पास भी चलेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज छठे चरण का चुनाव चल रहा है, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से हामिद हुसैन जी जुड़े हुए हैं। हामिद जी आपका रिएक्शन, क्योंकि यहाँ जी के पास चलेंगे, उससे पहले एक तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सीसी राजीव कुमार। तो ये देखिए वोट डालने के लिए राजीव कुमार पहुंचे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली के सभी लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में हैं और 7 की 7 लोकसभा सीटों पर इस समय वोटिंग जारी है। सीसी राजीव कुमार इस समय वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। को दिखा रहे हैं जहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राजीव कुमार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। राजीव कुमार ने अपना वोट डाल दिया है
और इस समय जो आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है वो इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरीके से वोटिंग जरूरी है। और बावजूद इसके हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं मतदान करने के लिए, वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो देखिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। हामिद हुसैन जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। हामिद जी, वोटिंग तो जारी है लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो दर्शा रहा है कि मतदाताओं में उस तरीके का उत्साह नहीं है, शायद यही वजह हो, उदासीनता है। क्या कारण रहा कि वोटर्स जो हैं वो उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं? मौका देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले दूसरी बात जो मैं कहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो क्या गर्मी है, दूसरी बात जो कह रहे उदासीनता है, लोग दुखी हैं, दुखी होने से लोग विथड्रॉ हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्राइस राइज हुआ है, देश की हालत है, फार्मर्स की हालत है, मजदूर की हालत है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है, तो लोग बहुत दुखी और बहुत उदासीन मनवा में विथड्रॉ कर रखा है, एक बात ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे पहले जो शुरुआती वक्त में मैंने कहा उन्होंने कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट ऑल, इट इज़ अ मैटर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल, कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारा संघीय व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत राज और तीनों स्तर में कम से कम इसका प्रचार अच्छी तरह से होना चाहिए, मोबिलाइजेशन होने की जरूरत है, अवेयरनेस डेवलपमेंट करने की जरूरत है और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। जैसे कि मैं समझता हूँ, जैसे कि आपका सेंट्रल में अपने प्रधानमंत्री ने कह दिया, अपने ऐसा नहीं है, हर मंत्री को, हर विपक्ष के नेता को, हर लोगों को अपील करना चाहिए, राष्ट्रपति जी को अपील करना चाहिए एवं स्टेट लेवल पे जो सीनियर हामिद जी, इसमें जैसा आपने कहा कि महिलाओं की हालत खराब है, हामिद जी आपने कहा महिलाओं की हालत खराब है, किसानों की हालत खराब है, इतनी स्थिति अगर बुरी है तब तो वोटर्स को बढ़ चढ़ करके आना चाहिए बाहर। है लेकिन जो गर्मी भी है ना, उसके साथ गर्मी भी है, जो लहर होनी चाहिए। नहीं, लेकिन जिस तरह से मुद्दे आप गिना रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे हावी हैं, जनता के मन में इतना आक्रोश है, तो एक बार तो कम से कम घर से बाहर निकलकर वोट कर ही सकते हैं, मतदान कर ही सकते हैं, क्योंकि ये तो मौका फिर 5 साल बाद ही मिलेगा। दो तरीके होते हैं, सुनिए, एक तरीका ये होता है कि रिएक्शन करें, जाएं मतदान दें, अपनी बात कहें, अपने आप को। दूसरा होता है जब दुखी हो जाता है तो भी कभी कभी विथड्रॉल सिम्टम होता है, ये विथड्रॉल सिम्टम मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ। इसके जो मैं कह रहा था जैसे पंचायत राज, 5 साल दुखी होने के लिए तैयार है, एक दिन वोट नहीं देंगे? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, जिम्मेदारी है, मैं कह रहा था अवेयरनेस डेवलपमेंट करना चाहिए और कम से कम उसका फैसिलिटी से प्रोवाइड करना चाहिए, बीच बीच में टेंट गाड़ते, पानी की सुविधा करते, जहाँ वोटिंग और वहाँ में जी, तो क्या घर से लेकर के पोलिंग स्टेशन तक थोड़ी टेंट हो सकता है? घर से लेकर के पोलिंग स्टेशन तक थोड़ी ना टेंट हो सकता है? आज चलिए ठीक है, आप वोट डालने मत जाइए, लेकिन एक सिंपल सी चीज है, फीवर आ गया, दवाई लेने जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जब फीवर आ जाए तो अपने आप पर पड़ती है, यहाँ पर वही तो है, हम बाकी चीजों के लिए निकलेंगे। आज 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 देखिए, आज सलमान खान की फिल्म रिलीज हो, फिल्म देखने जाएंगे, सलमान खान की फिल्म रिलीज हो, देखने जाएंगे। अगर विपक्ष बिल्कुल कभी कभी जब अपना होता है, फीवर होता है, भूख लगती है, तो आदमी बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा एक्शन आ जाता है, लेकिन जहाँ जब समाज की बात आती है, उसको यहाँ तो देश बचाने की बात है ना, आपने मुद्दे इतने गिनवाए, किसान परेशान है, जनता परेशान है, यहाँ परेशान, वहाँ परेशान, लेकिन इतनी परेशान है कि वो वोट देने के लिए नहीं जा सकते। मनोज तिवारी बोल रहे हैं, सुनवाते हैं, आता हूँ हामिद जी फिर से। नरेंद्र मोदी जी को वोट, देश को वोट, कमल को। मनोज जी, हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है दिल्ली में, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो घटना की एक रिपोर्ट आई, क्या कहना है आपका, कितना असर पड़ेगा इससे दिल्ली के चुनावों पर? जो अपने अहंकार और तानाशाही में भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लड़ते हैं
और जो अपने घर में महिलाओं को पीटते हैं, आज दिल्ली की जनता वोट से उनको पीटेगी। एक आखिरी सवाल है, दिल्ली की जनता को, चूंकि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे 43 तक जाता है दिल्ली में आजकल, तो दिल्ली के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से भी वोटिंग प्रतिशत पर लगातार असर पड़ा है। देखो, लोगों ने ठान लिया है एक दिन की गर्मी सहेंगे और 5 साल अपने बच्चों को गर्मी सर्दी शीत ताप से बचाएंगे, उनके विकास की नई कहानी बनाएंगे। उस नरेंद्र मोदी जी के लिए आज लोग बर्दाश्त कर रहा है। मैं मनोज तिवारी अपने अजय महावर के साथ, अपनी बहनों के साथ वोट डाल के आ रहे हैं। जीतेगा देश, जीतेगा भारत, जीतेंगे हमारी देश की महिलाएं, युवाएं, बच्चे, किसान, गरीब। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी। तो आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को, और साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नवीन पटनायक वोट डालने के लिए पहुंचे थे। हर्ष जी, अब देखिए ओवरऑल चीजें अगर निकल करके आती हैं, अगर हामिद जी को आपने सुना होगा कि इतने सारे मुद्दे हैं, अमूमन हम यही देखते हैं कि अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो वो ये दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तब तो ज्यादा से ज्यादा वोटर निकलना चाहिए घरों से। देखिए, हमने पिछले फेज के जो चुनाव हुए थे उसमें भी चर्चा यही की थी कि इस बार वोटरों में उदासीनता है, और जो ऐतिहासिक रूप से एक पॉलिटिकल साइंस का फॉर्मूला ये चला आ रहा है कि ज़्यादा वोटर टर्नआउट का मतलब एंटी इनकम्बेंसी, और कम वोटर टर्नआउट का मतलब कि कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, इनकम्बेंसी फैक्टर है, लोग सरकार से खुश हैं, ये दरअसल अब चलता नहीं है। उदाहरण के लिए आप, क्योंकि चुनाव की बात हम कर रहे हैं तो हमें पास्ट परफॉर्मेंस पे जाना होगा, 2014 और 2019 का चुनाव देखिए। 2014 में भारी एंटी इनकम्बेंसी थी यूपीए 2 को लेकर, और भारी मात्रा में वोटर टर्नआउट हुआ था, 67 और 68% के बीच का वोटर टर्नआउट था। लेकिन 2019 में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं थी, इनकम्बेंसी फैक्टर थी, लेकिन इन चुनावों में भी आप देखें कि लगभग 67% प्लस वोट था। तो ये फॉर्मूला पहले चलता था, लेकिन अब ये नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि देखिए, इस बार के भी अगर 5 चरणों के चुनाव देखें, कमोवेश आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, अगर आप कॉम्पेरेटिवली पिछले 2 चुनावों से तुलना करें तो कम है, लेकिन अगर पिछले 10 चुनावों से तुलना करेंगे तो कम नहीं। राजीव कुमार बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। देखिए, आके फादर इज नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला, मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है, तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है, और हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए, यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत किया कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे, बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा, वहां जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आएँ, सब लोग डालें, सभी PWDs के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है, तो अब पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में, तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फोटो देखिए, कितने खूबसूरत फोटोज हैं। छठे चरण के मतदान के तहत वैशाली लोकसभा में भी आज मतदान चल रहा है, और मैं इस वक्त हुसैना राघव में खड़ा हूँ, जहाँ एक मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप मेरे तक पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने बारी का इंतज़ार करते हुए मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि जनता का मूड इस बार क्या है, उनका जो, उनको जो अपना जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका मूड क्या है, उनका मिजाज क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुमरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, तो आप इस बार जो मतदान कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं? बदलाव चाहिए सर हमको। क्यों क्यों बदलाव चाहिए? काम नहीं सरकार में हुआ है। अच्छा। और बदलाव होगा तो हमको उम्मीद है, जो हमारे प्रत्याशी है मुन्ना शुक्ला जी, उनको वोट देंगे और ज़रूर विकास होगा। उन्होंने हम
तमाम आम जनता से वादा किया है कि जो भी विकास का कार्य है और 1 करोड़ नौकरी की जो बात कही गई है, हाँ, हमें भरोसा है उन पर, और विकास होगा और बदलाव चाहिए, और विकास कुछ नहीं हुआ है जिस वजह से हम उनको वोट कर रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा मुकेश कुमार हुआ। महंगाई चरम सीमा पर है, विकास हुआ नहीं है। देख रहे हैं धरती पर क्या विकास हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है ना, बेरोजगारी है, लोग यहाँ से पलायन करके बिहार से बेंगलोर राजस्थान कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको उम्मीद है कि जो नए नेता चुने जाएंगे वो हाँ, वो भरोसा है कि वो कुछ करेंगे और जनता के वादे पर खरे उतरेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिनव कुमार हुआ। वैशाली में बस एक ही नारा है कि लोकल फॉर वोकल, और वैशाली लोकतंत्र के साथ साथ प्रयोग तंत्र की भी जननी है। यहाँ हमेशा प्रयोग होता है, वर्तमान सांसद द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, फिर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक इनका कहना है कि प्रयोग होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? रामकिशोर सिंह। क्या नाम बताए? रामकिशोर सिंह। रामकिशोर सिंह, क्या कहेंगे आज चुनाव है, किस मुद्दे पे आप चुनाव मत देने आए? 5 साल के अंदर पूर्व संसद किसी से भेंट नहीं की। अच्छा, कोई चिंता नहीं है, कोई काम यहाँ हुआ नहीं, कोई काम नहीं है। राजीव मोहन, न्यूज इंडिया, वैशाली। सपना था वो पूरा करेंगे। बात करता है देश के हित में, अपनी मेहनत करते हैं, देश के जो लोग हैं जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां से चाहे बीजेपी जो भी अपने नाकामियां वो हटाने की कोशिश करते हैं, या मेरे ऊपर ईडी का समन्स लगाएंगे, या आईटी का प्रेशर लगाएंगे, या जो भी दुरुपयोग होगा उसका कोई मान्य नहीं बनता, उसका कुछ कोई बिलीव नहीं करता है। तो मैं ज़रूर देखता हूं कि जनता बदलाव चाहती है, और ये जनता का समय है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो बाहर आएं और जो बदलाव चाहते हैं, जो परेशान हैं बेरोजगारी से और महिला की जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए यहाँ पर दिल्ली में हम जो सामंजस्य देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, वो पंजाब में नजर नहीं आ रहा है। अब आप ऐसे में समझिए कि पंजाब में जब वोट डाले जाएं तो उस दौरान आप लोग अलग अलग नजर आते हैं, यहाँ एक साथ प्रचार भी कर रहे हैं, और आपके ये हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के लिए भी वोट दे रहे हैं, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के लिए भी वोट दे रहे हैं, राज्य अलग और उसके बाद फिर नीतियाँ भी अलग। जी, क्या आपका कहना क्या है चारुल जी, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को, क्योंकि वो आईपीएल में अलग अलग, आईपीएल और उसकी बात नहीं हो रही है सर, अलग अलग राज्य में आप लोगों की नीतियां बदल जाती है ना। यहाँ पर आप जो विश्वास दिला रहे हैं जनता को कि हम लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं, तो वहाँ पंजाब में क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ क्यों है? मेरा सवाल का जवाब मैं अगर दे देता ना, तो वो जवाब उसका जवाब भाजपा को देना पड़ता है। बैंकर बीच में काहे मेरी बात को रोक रहे हैं? सर, सवाल तो मैं ही करूंगी ना, भाजपा वाले नहीं करेंगे सवाल आपसे। आप तो न्यूट्रल है ना, मेरी बात, आपने सवाल पूछा तो मेरा जवाब दे लीजिए ना, दीजिए ना जवाब। आप तो रोक रही है, विपक्ष मीडिया पर बड़ा प्रश्न उठाता है भाई। मनीष जी, कोई नहीं, जब मौका मिला मीडिया को करप्ट बता दिया, जब मौका मिला मीडिया पर प्रश्न उठा दिया, ये कोई ठीक बात है? मनीष, अरे आप कभी चुनाव आए हो प्रश्न उठा दो? अरे भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है? तरीका थोड़ी है? आप जब देखो तो मीडिया पर जवाब, आपका तो रिकॉर्ड ही है, आपका तो रिकॉर्ड ही है, कभी आप उठा दो। गलत तरीका है ना, आप मीडिया पर प्रश्न उठा दो। सिद्धार्थ जी बोलिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं तो फिर क्या दिक्कत, बताइए। हाँ, आईपीएल में अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली अलग अलग मैच में खेलते हैं तो इसका मतलब उनको परसों वर्ल्ड कप में एक साथ टीम इंडिया के लिए नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए। सीधी सीधी बात सबको मालूम है कि पंजाब में भाजपा है कि नहीं, भाजपा पूरी तरह से। एक चीज मुझे बताइए सिद्धार्थ जी, इसी में आप मुझे ये बताइए कि अगर विराट कोहली आरसीबी के लिए खेलते हैं, रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, तो प्लेऑफ में आकर के वो दोनों अलग अलग थोड़ी फिर हो जाएंगे?
ये प्लेऑफ नहीं है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो फाइनल कौन सा है? फाइनल पहुंचिए तो पहले, प्लेऑफ नहीं है तो और क्या है? पंजाब में स्थिति ये है कि भाजपा प्लेऑफ तो छोड़िए पंजाब में आईपीएल है, दिल्ली में वर्ल्ड कप है, नहीं कर पा रही है प्लेऑफ में। और दूसरी बात, एक मिनट दिल्ली में वर्ल्ड कप है। अरे एक मिनट आपको बता दे रहे हैं। एक बात मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगी, अगर हम पॉलिटिक्स की बात को पॉलिटिकल तरीके में जवाब दें तो अच्छा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे जितने दर्शक हैं वो सब क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते हो। हाँ तो ठीक है चलिए राजनीति का जवाब राजनीति से दे देते हैं। हाँ, चीन का सामान तो हम लोगों ने बायकॉट कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चीन के साथ हमारा सामान का बायकॉट हो जाना चाहिए, और चीन के साथ भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों हो रहा है? चीनी सामान सबसे ज्यादा भारत में क्यों आ रहा है? नहीं, ये गलत फैक्ट है। जब से 2019 के बाद सुन लीजिए, मैं कस्टम का काम करता हूँ, चीनी सामान के इंपोर्ट में बहुत समस्याएं हो गई हैं। चीन से इंपोर्ट करना अब आसान नहीं रहा। और सुनिए, जो अंडर बिलिंग होती थी चीन से, वो अंडर बिलिंग चीन से कम हो गई है। आप वो बात कर रहे हैं जो आपको पार्टी से मैसेज आया है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड पे देखता हूँ। चीन से इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल, बहुत कम होता जा रहा है। आप जाके देखिए चीन का भाड़ा कितना बढ़ा दिया है। आप देखिए चीन के हुए इंपोर्ट पर स्कैनिंग कितनी जबरदस्त है। 100% रैंडम स्कैनिंग हो रही है चीन के सामान पर। चीन से अंडरबिलिंग का सामान आना मुश्किल हो गया है। चीन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कस्टम की डेटा। हर चीन के हर इंपोर्ट पर तमाम सारे आइटम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अब सुनिए, हेमंत विश्व शर्मा का केस बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत उनको नहीं दी है। और सुनिए, आपके नेता को भी जमानत उन्होंने सिर्फ इसलिए दी है कि चुनाव प्रचार कर ले, कोर्ट के मामले में बोल नहीं पाएंगे। और 2 तारीख को आपको भी जाना ही पड़ेगा जेल। ठीक है मनीष जी और सिद्धार्थ जी, ठीक है अमिताभ जी, अब देखिए परिस्थिति क्या यही है कि जो आता हूं अमिताभ जी, क्या यही वाकई है कि जो मुद्दे जमीन पे उतारे जाने चाहिए थे, जो जमीन पे उतारे जाने चाहिए थे विपक्ष की तरफ से, वो मुद्दे नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से हम वोटर्स में भी एक उदासीनता देख रहे हैं? क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो विपक्ष स्ट्रांगली, अगर एक कहते हैं 2014 में जैसे वेब बना, अगर वो स्थिति होती तो शायद वोटर्स ज्यादा निकलते। नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट है, जब जनता नाराज होती है ना तो उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो खुद बाहर आती है और वोट करती है। बहुत स्पष्ट है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है। आप करते क्या है बाकी साल? लोगों के बीच अवेयरनेस कि आपको राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और वोट करना जरूरी है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का यही काम होता है, उन लोगों के बीच जाके अवेयरनेस करते हैं, सभाएं करते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले में प्रोग्राम्स करते हैं और लोगों को तैयार करते हैं इसके लिए कि वोटिंग का दिन आ रहा है, आपको चलना वोट करना है। तो ये अपने आप इनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विपक्ष बुरी तरह जो है ना असफल रहा है, अभी भी वो 80-90 के दशक की राजनीति कर रहा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, पिछले 10 साल में राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। अब विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा है। वो अगर महंगाई की बात करता है तो मुंह की खाता है। क्यों मुंह की खाता है? पिछले 10 साल में और उसके पहले के 10 साल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुद्रा स्फीति जो है, बीच में बिल्कुल ना बोले प्लीज, मुद्रा स्फीति का दर जो है वो महंगाई का प्रतीक है, पहचान है। इन्हें बीच में बोलने से रोकिए, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। हामिद जी एक बार सुन लीजिए, आपको मौका देंगे। पहले सुन ले, हामिद जी रिप्लाई कर, पूरी बात सुन ले, मुद्रा स्फीति पे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आप रिप्लाई कर लीजिएगा हामिद जी, इस समय संजय सिंह बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, एक मिनट उनको सुनवाते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सारा कुछ संचालन संसद और विधानसभाओं के माध्यम से होता है। अच्छे प्रतिनिधि वहाँ जाएंगे तो स्कूल के लिए काम करेंगे, अस्पताल के लिए काम करेंगे, बिजली पानी के लिए काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी की दुश्वारियों को कम करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि ऐसी पार्टी को चुनें, ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं।
फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।